हरियाणा पुलिस का एक नारा है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। नाम तो सुना ही होगा, मगर इस नारे में कितना दमखम है उसका एक नमूना आपकी स्क्रीन पर है। इसे देखिए और पुलिस की सुस्ती, नाकामी और लचर कानून व्यवस्था पर अफसोस जताइए। जी हाँ, ये सीएम सिटी करनाल का हाल है, जहाँ बीती रात नई पुलिस लाइन में कई अधिकारियों के घर लूट लिए गए। दिन रात सुरक्षा घेरे में रहने वाली पुलिस लाइन के अंदर चोर कहाँ से आए, कैसे आए, ताले कैसे तोड़े और लाखों की नकदी जेवर लूटकर कैसे फरार हो गए, इन सभी सवालों का जवाब एक पहेली बना हुआ है। क्या सामान लेके गए? ऐसा जी, मैं घर गई हुई थी तो मेरे को फोन आया, ऐसे ऐसे आपका ये लॉक टूटा हुआ है, 4 तोले का सेट था बेटी के लिए, अभी बनवाया था 20 दिन पहले ही, अपना वो चोरी हो गया जी। तो ताला तोड़ के? हाँ जी, बेड का लॉक था जी। अच्छा, तो क्वार्टर में यहाँ कैसे घुसे वो? मेरे को पता ही नहीं जी। वैसे हाँ जी, मेरे को पता ही नहीं भाई, अपना क्वार्टर में काफी क्वार्टरों में लॉक टूटे हुए हैं, 4-5 क्वार्टरों में यहाँ पर चोरी हुई है। हाँ जी। तो एक तो सोने का सेट है, 4.5 तोले कितने का? 4 तोले का जी। और क्या है साथ? बस जी वही है जी, 4 तोले का, गले की चैन है, कन्नों के है जी, अंगूठी है, नाथ है जी उसमें। अच्छा, पूरा सेट है। हाँ जी हाँ जी। पड़ोसियों ने जानकारी दी थी आपको? पड़ोसियों ने बताया था? हाँ जी हाँ जी, पड़ोसियों ने बताया भी आपका ऐसे लॉक टूटा हुआ है जी। तो पुलिस को जानकारी दे दी है आपने, बता दिया? हाँ जी, पता, मैं तो ये जाऊँ जी भी, यहाँ मैं सेफ नहीं है तो कहाँ भी। हाँ, मतलब पुलिस लाइन में आपके जहाँ पर चारों तरफ सिक्योरिटी है, उसके बाद भी चोरी होगी, तो सुरक्षा की मांग करेंगे यहाँ पर और कोई? बिल्कुल। एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन घरों के ताले तोड़कर चोरियाँ की गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस लाइन 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहती है, गेट पर सुरक्षा गार्ड पहरा देता है, दिन रात सुरक्षा कर्मी गश्त करते हैं, सीसीटीवी कैमरों का भी पहरा रहता है, लेकिन फिर भी पुलिस देखती रह गई और चोर पुलिस लाइन के अंदर भी घुसे और कई घरों को साफ भी कर गए। कल सुबह नई पुलिस लाइन, जो कैथल रोड पे नई पुलिस लाइन है ना, उसमें कई क्वार्टरों के ताले टूटे मिले, तो उसमें एक विजय पंडित जी हमारे एसआई, उन्होंने कंप्लेंट करी है फिलहाल तो हमारे पास, भाई उन्होंने अपनी लड़की के लिए 4.5 तोले जेवर, सोने के जेवर बनवाए हुए थे, जो वो कोई ताला तोड़ गया ना मालूम, चोरी करके ले गए हैं, और अभी देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, अभी 2-3 इन्फॉर्मेशन हो रही हैं भाई, एक तो और ताले टूटे थे लेकिन उनका कोई नुकसान होना। ये ब्याह शादी में गए थे बंद करके? हाँ, ये अपने घर गए हुए थे। अच्छा। ये अपनी ड्यूटी गए थे विजय जी, और इसका परिवार जो है वो अपने घर गया था असंध। तो ये नई पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारी रहते हैं? हाँ, नई पुलिस लाइन में सभी पुलिस अधिकारी रहते हैं। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी एक FIR दर्ज कर दी है और अभी देखते हैं वहाँ। अज्ञात चोर? हाँ, क्या चोर, अभी तक तो पता नहीं लगा, जल्दी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी, नोट लेंगे जल्दी। बड़ी बड़ी बातें और दावे करके पुलिस के अधिकारी अपनी नाकामी को छुपाने में जुटे हैं, जबकि धरातल पर सच्चाई ये है कि पुलिस लाइन में भी कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। ये चोरियां सिविल लाइन पुलिस अधिकारियों के घर में हुई है, कड़ी सुरक्षा के बावजूद पुलिस इन चोरियों को ना रोक पाई और ना ही पुलिस को इसकी भनक लग सकी। ऐसे में जिस दावे के साथ पुलिस अज्ञात चोरों को दबोचने का दम भर रही है, उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। बहरहाल पुलिस लाइन के अंदर पुलिस अधिकारियों के घरों में इतनी बड़ी चोरी की इस घटना से साफ हो चुका है कि करनाल में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। ऐसे में आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित महसूस करता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। करनाल की नई पुलिस लाइन में चोरों ने 4-5 क्वार्टरों में सेंध लगा दी और लाखों रुपए का सोना जेवरात लेकर के फरार हो गए, चोरी करके फरार हो गए हैं। वहीं नई पुलिस लाइन कहीं जो सुरक्षा की एक कवच बना हुआ है, पुलिस कर्मचारी सभी अधिकारी यहां पर रहते हैं, उन्हीं अधिकारियों के और पुलिस कर्मचारियों के क्वार्टरों में चोरों ने सेंध लगाई है। बड़ा मामला यह है कि करनाल की नई पुलिस लाइन, जो एक चोर उसमें जो पर नहीं मार सकते, वहीं चोरों के इतने बुलंद हौसले हैं कि कई क्वार्टरों के ताले तोड़कर अंदर से सभी के कई कई लाख रुपए के जेवर चोरी करके फरार हो गए हैं, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है, मामला दर्ज हो चुका है। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी थी और घर में 5-6 तोले सोना रखा था, सेट बनाया हुआ था, किसी के नकदी कैश थी, तो सभी के जो है ना चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। इसकी पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सभी पुलिस कर्मचारियाँ जिनकी क्वार्टरों में चोरी हुई है, ये करनाल का सबसे अहम क्षेत्र माना जाता है और एक पुलिस कर्मचारियों के घर में ही जो चोरों ने सेंध लगाई है, ये सबसे बड़ी बात और हैरानीजनक बात ये है कि पुलिस कर्मचारी ब्याह शादियों में गए थे,
कहीं ना कहीं रेकी हुई है, और रेकी होने के बाद जो क्वार्टरों के ताले तोड़ने के बाद जो है पूरा सोना नकदी जेवरात सभी सोने चांदी के लेकर के चोर फरार हो गए हैं। 5 से 6 क्वार्टरों में चोरी की गई है एक ही रात में, जिसके पुलिस में भी हड़कंप है और पुलिस अधिकारियों में हड़कंप है कि वो सुरक्षा के बीच में नहीं है। इसी की मांग की है कि नई पुलिस लाइन की सुरक्षा बढ़ाई जाए। करनाल से KCRIA, पंजाब केसरी TV।